तो आज हम लोग बनाएंगे सेवई। सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाही में घी डालते हैं, उसके बाद उसमें सेवई डालते हैं और सेवई को तब तक भूनते हैं जब तक कि उसका रंग सुनहरा ना हो जाए, कुछ इस तरह से। जब हमारी सेवई अच्छी तरह से भुन जाए तब हम भगोने में दूध लेते हैं और उसे गैस पे रखते हैं। गैस का फ्लेम तेज करते हैं ताकि हमारा दूध जल्दी से बॉयल हो जाए। तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और उसको कद्दूकस कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को। और इधर तब तक हमारा दूध बॉयल हो चुका है, अब उसमें हम जो हमने पहले से भुनी हुई सेवइयाँ रखी थी अब उसको हम दूध में डालेंगे। सारी सेवइयों को हमने दूध में डाल दिया और कुछ इस तरह से उसे हम चलाएंगे और उसको ढक देंगे कुछ देर के लिए। जब हमारा दूध खौलने लगे तो उसमें हम चीनी ऐड करते हैं और चीनी ऐड करने के थोड़ी देर बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे हैं उस ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे इसके बाद हम इलायची लेते हैं 5-6 इलायची। इसको कूट के हम सेवई में डालते हैं, इससे इसका जो कलर है, इसका जो फ्लेवर है, इसका जो स्वाद है काफ़ी अच्छा आता है। कुछ देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि हमारी सेवई अच्छे से पक जाए। और ये देखिए कितनी बढ़िया सेवई बनके तैयार है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए।